मामा जेनी ने शहीदों में सैम का नाम भी जोड़ दिया है। मामा जेनी ने कहा कि उनको याद करके, उनके बारे में बात करके, हम उनके और भी करीब हो जाएंगे। My mom's never been the same. She cries all the time. I love my brother so much, and I just want him to know if he's out there that I miss him. He's always. मैंने भी कोशिश की मंदिरा कि मैं सैम के और भी करीब जाऊं। समीर राठौड़ खान, मेरा बेटा, वेट 56 किलोग्राम, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। समीर को एक्सबॉक्स और फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। उसे अपने सॉकर शूज इतने पसंद थे कि वो अक्सर रात को उन्हें पहनकर ही सो जाता था। यही उसकी एक बुरी आदत थी। सैम 6 साल का था जब मैंने उसकी अम्मी से निकाह किया। समीर बहुत अच्छा बेटा था। उसे अपनी अम्मी का प्यार मेरे साथ बांटने में ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुई, पर मैं इतना अच्छा डैड नहीं बन पाया। दूसरों के डैड अपने बच्चों की ज़रूरतें महसूस करके उन्हें पूरा करते हैं, लेकिन मुझे अनकही बातें महसूस नहीं करना आता, तो मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाता था। बट सैम नेवर कंप्लेन, उसने कभी कंप्लेन नहीं की। सैम की एक और बहुत बुरी आदत थी, वो सिर्फ अच्छी बातें करता था, बुरी खबर हमसे छुपा लेता था। जब मेरी फेवरेट टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड हारती थी तो मुझे नहीं बताता था, नेवर, अनलेस हमने शर्त लगाई हो, बेट लगाई हो, तब बताता था। फिर मुझे उसे उसकी फेवरेट मिंट चॉकलेट चिप आइसक्रीम देनी पड़ती थी, 2 scoops ऑलवेज 2 scoops। 27 नवंबर 2007 को वो मारा गया। वो 13 साल 9 महीने 4 दिन का था। समीर सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरा सबसे अजीज दोस्त था। एक्चुअली मेरा इकलौता दोस्त था, माय ओनली बेस्ट फ्रेंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मियाँ खुश होंगे कि वो उनके साथ जन्नत में है। आए मामा जैनी, आए। I don't want to say anymore. We shall overcome. We shall